फाइट ही रहे हैं। आज बोल बेबी बोल का प्रीमियर है, कितना एक्साइटमेंट है आपको? बहुत ही एक्साइटमेंट है। और मतलब किस तरीके, क्या फील हो रहा है इतनी, आपने इतने सालों से मतलब इतना मूवी बनाया और आज उसका एक रिजल्ट निकलने वाला है? बस अब इतने टाइम से तो बोल बेबी बोल थी, आज से रॉक एंड रोल हो जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगी, कितना एक्साइटमेंट है? नहीं ये ना, आई एम फीलिंग लाइक अ मदर राइट नाउ। वो ये वो बेबी है जो काफ़ी महीनों से पेट के अंदर थी, नाउ शी इज़ कमिंग आउट। सो माई एक्साइटमेंट इज एज मच एज एक्सपेक्टेंट मदर शुड बी, नर्वस एंड वेरी एक्साइटेड, एंड ऑब्वियसली इट्स अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय फॉर ऑल ऑफ अस। किस तरीके का रोल है इसमें आपका, कुछ उसके बारे में अगर बताना चाहेंगे तो? आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ अ गर्ल कॉल्ड सोनाली, and she is someone's lover, someone's wife, and it's about her baby, like the title says, bol baby bol. So us baby ki wajah se jo hone wala pura confusion hai, so this is what the film is all about. Bola jata hai ki jo marathi cinema hoti hai wo maharashtra ki ek pehchan hai. किसकी पहचान? महाराष्ट्र की पहचान होती है मराठी, महाराष्ट्र की पहचान होती है मराठी सिनेमा, बिकॉज अब हम महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं तो मराठी सिनेमा उसकी पहचान होती है। तो बॉलीवुड और जो मराठी सिनेमा, उसमें क्या अंतर देखते हो? नहीं देखा जाए तो बहुत अंतर है, देखा जाए तो बहुत अंतर है। मराठी फिल्में जो होती हैं वो हमेशा कंटेंट बेस्ड होती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हिंदी फिल्में होती हैं वो ज़्यादा लार्जर देन लाइफ होती हैं, ज़्यादा ग्रैंड होती हैं। मराठी में जितना मिट्टी से जुड़ी सब्जेक्ट्स हों, जितना इमोशनल हो, जितना उसमें एक एक रीजनल फ्लेवर हो, उतनी ही वो फिल्म ज़्यादा लोगों को भाती है, ज़्यादा अप्रिशिएट होती है। सो ग्रैंडियर माइट नॉट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन रीजनल फिल्म्स और मराठी फिल्म्स, बट कंटेंट इज़ ऑलवेज अ हीरो एंड हीरोइन एंड एवरीथिंग इन मराठी फिल्म्स। और विरल जी, कितनी परेशानी आई और कितना मज़ा आया शूट पे इस फिल्म को बनाते वक्त? परेशानी तो होती थी पर मज़ा बहुत आता था। शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? बस बोल बेबी बोल देखिए, बस बहुत है। अरुणा जी, यही मौका है सारे गिलेश को दूर करने के साथ काम करके कैसा लगा? फैंटास्टिक। कुछ कहना चाहिए? देयर आर नो वर्ड्स, आफ्टर 20 इयर्स उनका है और बहुत ही अच्छा काम। बोला जाता है कि जब कोई मराठी मूवी बनती है एक बहुत ही एक मायने रहता है उसका, मतलब आज तक जो भी मराठी मूवी बनी है कभी लोगों ने उसकी मतलब जो आलोचना की जाती है उसकी एक अच्छी परफेक्ट बेसिस पे हो जाती है। और बॉलीवुड फिल्म कितनी भी बनती है लेकिन वो लोग उन्हें पसंद नहीं करते, तो ऐसी क्या खास बात होती है? ऐसा प्रोड्यूसर क्या कहना चाहेंगे कि मराठी फिल्म में ऐसी क्या बात होती है जो लोग देखते हैं और पसंद करते हैं? आमची पिक्चर है तो सगड़े बघणार आहेत। नहीं, इसमें सब कुछ है, इसमें कॉमेडी है, रोमांस भी है, लव भी है, फीलिंग्स भी है और इमोशंस जो सबसे इम्पोर्टेंट है इंडियंस के लिए वो भी है, तो आई एम श्योर देखेंगे। आगे कोई प्रोजेक्ट और मराठी या बॉलीवुड सिनेमा से? हाँ, अनटाइटल्ड 3 प्रोजेक्ट्स है, आ रहे हैं, एक मराठी है, दो हिंदी है। थैंक यू सो मच। मराठी खूब आनंदाचा क्षण है, जोक्स अपार्ट, आणि आप किस तरीके का रोल कर रही हैं, क्या रोल प्ले कर रही है उसके बारे में बताना चाहेंगे? अर्थात मी आणि आणि तिकडे आहोत, तर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटमेंट? तर आहेच नक्कीच, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और फाइनली ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। बहुत मेहनत से और बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरने के बाद हमारे जो प्रोड्यूसर है बलराज दुरानी,
उन्होंने डट के ये फिल्म रिलीज़ की है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और एक अच्छी फिल्म है, एक प्राइमरीली एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन अरुणा जी है वो मेरी माँ का रोल कर रही है, रादर मैं उनके बेटे का रोल प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में, तो माँ और बेटे का जो रिलेशन है वो अगर हो तो कॉमेडी के साथ एक अच्छा इमोशनल कंटेंट भी आ जाता है, तो एक ओवरऑल एंटरटेनमेंट पैकेज है और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये फिल्म अभी रिलीज़ हो रही है। डाटा तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे नेहा सिया जो सब मकरन सब है अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया हमें बहुत ही अच्छी तरीके से, और टिप्स ज़रूर उन्होंने दी एक्टिंग की, और उनके फिटनेस के सारे दीवाने हैं हम भी हैं, और फिटनेस की काफ़ी अच्छी टिप्स हमें मिली हैं, लाइक सिक्स डिकेड्स शी इज़ वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री एंड और फिर भी इतनी फिट है, तो लाइक ऑब्वियसली उनके जो है फिटनेस का राज वो जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। रोल के बारे में बात किया जाए आपका हाँ या मामाज हुआ, टोटली मामाज हुआ, एक बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है और सिचुएशन की वजह से थोड़ा ग्रे शेड सभी कैरेक्टर्स में है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, सबकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और सम सेट ऑफ रूल्स दे फॉलो, बिकॉज ऑफ दैट बहुत ही रिजिडनेस आ जाता है अपने बिहेवियर में अपने स्वभाव में, उसकी वजह से कुछ चीज़ें कर देते हैं हम जो दूसरों को बुरी लगे, तो इस तरीके से ग्रे शेड्स सभी कैरेक्टर्स में हैं। USP तो ये है कि अरुणा जी की जो फैंस हैं वो 20 साल के बाद मराठी फिल्मों में काम कर रही हैं, और USP एक मराठी में एक फार्स करके एक जॉनर है जो थिएटर और फिल्मों में बहुत ही अच्छा उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो उस जॉनर की ये फिल्म है, मतलब ओवर द टॉप सिचुएशंस है इस फिल्म में जो लाइफ में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर लाइफ में हो तो क्या गड़बड़ हो सकती है लाइफ में और क्या मज़ा हो सकता है, उस जॉनर की फिल्म है, तो इट्स बहुत ही साफ़ सुथरी सीधी साधी सिंपल सी कॉमेडी फिल्म है जो आई गेस लोगों को पसंद आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। सर ये राइट साइड सर सामने है सर स्टेट सर ये दिस कॉर्नर वन मोर राइट सर सर वन मोर यस सर सर एक राइट साइड सर क्या समा समा सर क्या जी सर यू आई प्लो वन।